पूरी दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इन जगहों पर घूमने के लिए लोग काफी प्लानिंग भी करते हैं। ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। इस धरती पर कई खूबसूरत जगह हैं जहाँ लोग जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आज मैं आपको दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, ब्लडी पोंड। यह जापानी शहर बैपू के पास स्थित एक विचित्र तालाब है। जापान स्थित यह खूनी तालाब दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। इस खूनी तालाब में तैरना मना है, क्योंकि इस पोखर के पानी का तापमान 194 डिग्री फारेनहाइट यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस तालाब को खूनी तालाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि तालाब में पानी का रंग खून के जैसा लाल है। हालांकि मौसम के अनुसार तालाब के पानी का रंग बदलता रहता है। धूप के मौसम में तालाब का रंग नारंगी लाल में बदल जाता है और बादल के मौसम में ये गहरे लाल रंग में बदल जाता है। ये तालाब इतना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पोखर का नाम 1775 से ही ब्लडी पोंड है। इस तालाब में लोहे और नमक की मात्रा काफी ज्यादा है। पानी की सतह से भाप वाष्पित होती रहती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह नर्क का द्वार हो। यह खूनी तालाब जापान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। नंबर 2, स्नेक आइलैंड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सांप का आइलैंड है। इस आइलैंड को नाग आइलैंड और नागों का घर भी कहते हैं, लेकिन असल में इस आइलैंड का नाम इलाहा दा क्यूई मादा है। ये आइलैंड ब्राजील में स्थित है। यहाँ इंसान का बसेरा नहीं बल्कि सांपों का बसेरा है। दुनिया के सबसे जहरीले सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। यहाँ वाइपर जैसा खतरनाक सांप भी पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाइपर प्रजाति के सांप में उड़ने की क्षमता होती है। वाइपर प्रजाति के सांपों के बारे में कहा जाता है कि अगर ये भूल से भी इंसान को काट ले तो इंसान का मांस तक गल जाता है। इस आइलैंड पर गोल्डन लांस हेड वाइपर जैसे खतरनाक सांप भी रहते हैं। इन सांपों की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 18 लाख रुपए है। अगर भूल से भी कोई इंसान इस आइलैंड पर पहुंच जाए तो उसका जिंदा लौटना आसान नहीं है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर जाने वाला कभी वापस जिंदा नहीं लौटा। ब्राजील की सरकार ने आम इंसानों का इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को शोध के लिए जाने की अनुमति है। हालांकि शोधकर्ता भी आइलैंड के अंदर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते, सिर्फ तटीय इलाकों में शोध करके वापस आ जाते हैं। नंबर 3, रैमरी आइलैंड। ये आइलैंड बर्मा के नजदीक स्थित है। इस आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसी जगह के रूप में दर्ज है जहाँ के जानवरों ने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के 1000 जवान ब्रिटिश सैनिकों से बचने के लिए इस आइलैंड में पहुंचे थे, लेकिन उनमें से अधिकतर सैनिक इस आइलैंड पर रहने वाले खतरनाक मगरमच्छों का शिकार बन गए। केवल 20 सैनिक ही जिंदा बच पाए थे और तभी से इस आइलैंड को खतरनाक आइलैंड के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। इस आइलैंड पर खारे पानी के मगरमच्छों, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों और विषैले बिच्छुओं का राज चलता है। इस आइलैंड पर 20 फीट तक लंबे और 1000 किलो वजन वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं। इनकी पकड़ में आने के बाद किसी भी इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन है। यहाँ पर अभी भी मगरमच्छों के द्वारा इंसानों के शिकार की खबरें आती रहती हैं। नंबर 4, ओक फैनुकी स्वाम्प। ये जंगल जॉर्जिया में स्थित है। इस जगह पर इंसानों का जाना मना है क्योंकि ये जगह उनकी मौत की वजह बन सकती है। ओक फैनों की दलदल एक ऐसी जगह है जहां घास भी इंसानों की जान ले सकती है। इस दलदल जंगल में हजारों सालों से पांस नाम की घास फैल रही है। बहुत पहले इस जंगल में कुछ घर बसे हुए थे, लेकिन पांस घास ने उन घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये घास एक तरह की परभक्षी घास है। इस जंगल में परभक्षी घास के अलावा भी ऐसे बहुत से जहरीले जीव हैं जिनसे इंसानों को खतरा है। यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि हर एक कदम पर मानो मौत आपके आने का इंतजार कर रही हो। यहाँ पर आज भी विषैले सांप, कीड़े मकोड़े, मेंढक और जहरीले मच्छरों समेत हजारों की संख्या में मगरमच्छों का आतंक फैला हुआ है जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। नंबर 5, किबू लेक। ये झील अफ्रीका महाद्वीप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और रवांडा की सीमा के बीच में स्थित है।
इस झील को अगर मौत की झील कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस झील की वजह से करीब 20 लाख लोगों की जान खतरे में पड़ी है। इसकी वजह यह है कि इस झील के पानी में मीथेन गैस की भंडार है। ये गैस इतनी प्रभावशाली है कि इसके आसपास रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को कुछ ही देर में मौत की नींद सुला सकती है। इस झील को किलर झील के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, डेथ वैली। डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3000 वर्ग मील है। यहाँ का तापमान काफी ज्यादा होता है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म और सूखा स्थान है। यहाँ 2013 में 54 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। डेथ वैली यानी मौत की घाटी में रेस ट्रैक पलाया नाम का एरिया है, जहाँ पहले कभी झील हुआ करती थी। अब वो झील सूख गई है और पूरा इलाका समतल जमीन है। आपको बता दें, डेथ वैली में एक रहस्यमय घटना बरसों से घटती आ रही है। यहाँ अपने आप पत्थर चलते हैं। इसका पता 1948 में पहली बार चला। पत्थरों के आगे बढ़ने का निशान वहाँ जमीन पर जमी धूल पर पड़ जाता है। खुद ब खुद खिसकते हुए पत्थर वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसी पहेली बनी हुई है जिसे अब तक सुलझाया नहीं गया है। यहाँ के रेस ट्रैक क्षेत्र में 320 किलोग्राम तक के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा गया है। नंबर 7, रॉयल पाथ। रॉयल पाथ की गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में होती है। यह एलोरा नाम के गांव के पास जॉर्ज एल चोरों के बगल में बना हुआ एक रास्ता है। ये खतरनाक रास्ता 300 से 900 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई 1.8 मीटर है और चौड़ाई मात्र 3 फीट। हालांकि इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन रोमांच के शौकीन पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। इस जगह से गिरकर मरने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इस रास्ते को साल 1901 से 1905 के बीच बनाया गया था। इस रास्ते का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए कोरो फॉल्स से गेटे नेजो फॉल्स तक आने जाने के लिए किया जाता है। वर्ष 1921 में राजा अल्फांसो 13 ने एक डैम के उद्घाटन के दौरान इस रास्ते का नाम रॉयल रखा था। खड़ी दीवार के सहारे बने इस रास्ते के नीचे एक नदी भी बहती है। साल 1999 से 2000 के बीच इस रास्ते से नदी में गिरकर 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। नंबर 8, मियाके जीमा इजू आइलैंड। ये खतरनाक आइलैंड जापान में स्थित है। यहाँ पर लोग जिंदा रहने के लिए 24 घंटे मास्क पहने रहते हैं, और ये कोई साधारण मास्क नहीं है बल्कि गैस मास्क है। मियाके जीमा इजू आइलैंड कई छोटे बड़े आइलैंड का एक समूह है। इनमें से केवल 7 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ लोग रहते हैं। इनमें से एक मियाके जीमा आइलैंड है। इस आइलैंड पर इंसान तो रहते हैं, लेकिन उन्हें बचाव के लिए हमेशा गैस मास्क को पहने रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की हवा में जहरीली गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये आइलैंड टूरिज्म के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर आने वाले हर टूरिस्ट को मास्क पहनना अनिवार्य है। आपको बता दें, इस आइलैंड में अक्सर विस्फोट होते रहते हैं, और ऐसा एक बड़ा भयंकर विस्फोट साल 2000 में हुआ था, जिसमें लावा के साथ बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकली थी, और अभी भी ज्वालामुखी के शांत होने के बाद भी इन जहरीली गैसों का निकलना जारी है। इसी कारण इस आइलैंड पर लोग 24 घंटे गैस मास्क लगाकर रहते हैं। अब इस आइलैंड पर एडवेंचर के शौकीन टूरिस्ट भी आते हैं, पर उन्हें आइलैंड पर उतरते ही गैस मास्क लगाने पड़ते हैं। इसके लिए यहाँ के स्टोर पर डिस्पोजेबल मास्क मिलते हैं। इस आइलैंड के मुख्य आकर्षण वो खाली पड़े मकान हैं, जिनके मालिक कभी इस आइलैंड पर नहीं लौटे। इसके अलावा वो इमारतें जो लावे से तहस नहस हो चुकी हैं। नंबर 9, ओकिगेरा फॉरेस्ट। ये खतरनाक जंगल जापान में है। इस जंगल को पूरी दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चारों ओर हरियाली से दिखने वाला यह जंगल घूमने फिरने या मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं, बल्कि डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। 35 किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये जंगल दुनिया के सबसे पॉपुलर सुसाइड प्लेसेस में से दूसरे नंबर पर है। ये जंगल इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कहते हैं। इस जंगल में खो जाना आम बात है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ से निकलकर बाहर आना बेहद मुश्किल है। जापानी माइथोलॉजी के अनुसार इस जंगल में मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं। इस जंगल में अब तक 200 से ज्यादा डेड बॉडीज खोजी जा चुकी हैं। जापान के धार्मिक लोगों का मानना है कि इस जंगल में हुई आत्महत्याओं की वजह से यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी है। इस जंगल में कंपास, मोबाइल फोन जैसे डिवाइस भी काम नहीं करते। हालांकि हाइकर्स और एडवेंचर लवर्स यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। इसके साथ जो लोग इस जंगल में घूमने आते हैं वे अकेले नहीं आते, और यहाँ घूमने की एक ट्रिक ये भी है
कि लोग साथ में प्लास्टिक टेप रखते हैं। रास्ता याद रहे इसलिए पेड़ों पर प्लास्टिक टेप या रिबन बांधते हुए चलते हैं ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। नंबर 10, नेट्रोन लेक। ये रहस्यमय झील तंजानिया में स्थित है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इस पानी को जो छूता है वो पत्थर बन जाता है। कहा जाता है कि झील के प्रकोप के चलते लोग यहाँ से दूर चले गए। जो भी व्यक्ति या जानवर इस झील के पास आता है वो वहां खड़े खड़े ही पत्थर की प्रतिमा में तब्दील हो जाता है। इस झील के आसपास सिर्फ पशु पक्षियों की मूर्तियां ही दिखती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये किसी रहस्य या श्राप के कारण नहीं बल्कि झील के रासायनिक पानी के कारण होता है। झील के पानी में सोडियम कार्बोनेट होने के कारण ये अल्कलाइन है। पानी में अमोनिया और अल्कलाइन की मात्रा भी एक जैसी है। झील के पानी में नमक और सोडा की मात्रा जरूरत से कई गुना ज्यादा है। यही मात्रा इन पक्षियों के मृत शरीर को सुरक्षित रखती है। इस कारण इससे शव कई साल तक सुरक्षित रहते हैं। इसी वजह से इसके आसपास पशु पक्षियों के शव बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगह है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।